आम आदमी पार्टी जिला इकाई द्वारा एक सभा का आयोजन मशीनरी मार्केट सत पार्टी कार्यालय में किया गया। उसमें जिला प्रभारी सुनीता गंगवार एडवोकेट मौजूद रहे। इस मौके पर 25 जनवरी 2023 को लखनऊ में चेतावनी धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में साथियों के चलने पर चर्चा हुई। सरकार है, दिल्ली में सरकार है, इस समय वहाँ भी सरकार है, पंजाब में, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली जनता को वहाँ फ्री दी गई है, जिसका पेमेंट सरकार करती है। और ये आज से नहीं है, 3 बार वहाँ सरकार बन चुकी है और जनता को बराबर मिल रही है। जबकि वो केंद्र शासित एक प्रदेश है, अधूरा स्टेट है, जिसको आधी इनकम मिलती है और तमाम बाधाओं के बीच में केजरीवाल जी को काम करना पड़ता है, उसके बावजूद भी वो जनता को जब बिजली दे सकते हैं 200 यूनिट तक फ्री, तो दूसरे जो पूर्ण प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, पूर्ण प्रदेश है, तो ये क्यों नहीं दे सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी आज अपनी बात से पलट गए हैं। चुनाव के समय वोट लेते समय उनके वादे कुछ और थे, आज कुछ और करने जा रहे हैं। वो आज बिजली के दाम 23% बढ़ाने जा रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी जनता की इस आवाज़ को उठा रही है। और इसी को लेकर 25 तारीख को एक विशाल धरना वहां पर होगा इको गार्डन में लखनऊ में। इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से कार्यकर्ता व पदाधिकारी सभी पहुंचेंगे। और मेरी एक, मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपनी एक बात पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कहना चाहती हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है आम जनता की लड़ाई लड़ती है, हम आपके मुद्दों को उठाते हैं। आज देश में विपक्ष की भूमिका केवल आम आदमी पार्टी निभा रही है, और कोई भी पार्टियां जो रही हैं, सरकारें रही हैं उनकी, लेकिन वो जनता की आवाज़ को उठा नहीं रही हैं। जिस भी वजह से वो नहीं उठा रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी आज मैदान में डटी हुई है। तो हम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहती हूँ कि जनता इसमें हमारा साथ दे, हमारा समर्थन करे, सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ पहुँच कर लखनऊ की जनता अधिक से अधिक मात्रा में इस धरने पर पहुँचे, क्योंकि ये जनता का विषय है, ये जनता की समस्या है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी हो, किसान हो, कोई भी आम आदमी हो, सब उपभोक्ता हैं बिजली के। इसलिए ये एक समस्या पूरे प्रदेश की है, इसके लिए पूरे प्रदेश की जनता को सहयोग करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी की ये लड़ाई लखनऊ से स्टार्ट होगी, और लखनऊ से ये आंदोलन स्टार्ट होते हुए प्रत्येक जिले के वार्ड तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक योगी आदित्यनाथ जी को ये अपना जो निर्णय है कि हम बिजली के दाम बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बजाय उन्हें घटाना चाहिए, जब तक वो अपना निर्णय वापस नहीं लेते हैं, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कितने दिनों तक ये आंदोलन चलेगा? मैंने कहा ना कि जब तक योगी आदित्यनाथ जी अपना निर्णय वापस नहीं ले, अब योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो एक दिन में निर्णय वापस ले ले या महीनों या सालों में ले। लेकिन आम आदमी पार्टी जनता की आवाज को उठाती रहेगी, दबने नहीं देगी। बिल्कुल, जिला मुख्यालयों में 27 तारीख की डेट पार्टी ने निर्धारित की है, 27 तारीख को जिला मुख्यालयों में ये प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसके बाद ये नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, वार्डों तक ये चलेगा कार्यक्रम। मेन मुद्दा आपका बिजली रहेगा या और भी मुद्दे होंगे? ये जो धरना होने जा रहा है, ये बिजली के मुद्दे पर होने जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी अपनी बात को कहकर पलट गए हैं। मैं ये बार बार दोहरा रही हूँ आप लोगों के सामने कि चुनाव के समय उन्होंने क्या कहा था?